बिन कावर कैसा सावन, सुना सुना लग रहा सबका मन। सावन में भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक नहीं कर पा रहे। कोरोना संक्रमण के कारण सरकारी प्रतिबंध व हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में बाबा भोले की नगरी देवघर के लिए निकलने वाली कांवर यात्रा बंद है। इसका प्रतिकूल असर बाजार पर दिख रहा है। सावन यात्रा के लिए लाखों की संख्या में भक्त यात्रा से पहले तमाम जरूरी सामग्रियों की खरीद करते हैं। इस बार सब बंद है। व्यापारियों का कहना है कि बीमारी के कारण बाजार पर बड़े प्रतिकूल असर से सावन में उबरने की उम्मीद थी। मंदिरों में ताले लगने के कारण सावन का बाजार भी गुलजार नहीं हो सका। नहीं दिख रहा गेरुआ वस्त्र। सावन का महीना शुरू होने से दो तीन दिन पहले से अपर बाजार, बहु बाजार, चुटिया, मेन रोड, हरमू, रातू रोड आदि बाजार बोलबम के कपड़ों से भर जाता था। हर कपड़े की दुकान में डिस्प्ले में गेरुआ कपड़ा लगा होता था, मगर इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांवर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इससे बोलबम के कपड़ा बाजार पर बड़ा असर पड़ा है। सुशीला मार्केट में थोक कपड़ा व्यापारी प्रमोद सारस्वत बताते हैं कि हर वर्ष सावन और भादो में कम से कम अपर बाजार से 65 करोड़ का गमछा, हाफ पैंट, गंजी, टी शर्ट निकल जाता था, मगर इस साल मंदी है। पुरुलिया और बंगाल के कई हिस्सों से व्यापारी एक से एक बढ़िया क्वालिटी के कॉटन गमछे और कपड़े मंगाते थे, मगर वहाँ भी अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। ओम नमः शिवाय और बोलबम लिखे गमछे इस साल न के बराबर मंगवाए गए हैं।